नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स की एक नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी यानी सेस्मे के बारे में और जानने की कोशिश की थी उसके हमारे शरीर पे क्या फायदे होते हैं और क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं या रोगों से बचाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का कंटेंट भी कुछ ऐसा ही मैंने चूज किया है। आजकल सर्दियों का मौसम है, हर कोई पसंद करता है कि सीड्स का सेवन करें। सीड्स का चलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसी में से फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज की हम बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे ये हमारे शरीर को किस तरह से फायदा पहुँचाता है, इसमें क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और किस तरह से इसका सेवन करके हम इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इससे मिलने वाली कैलोरीज की, जैसी हर वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कैलोरीज और उसके पोषक तत्वों की, तो इससे लगभग प्रति 100 ग्राम आपको 543 यानी कि 543 कैलोरीज प्राप्त होगी। अगर पोषक तत्वों की बात करें तो प्रोटीन इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लगभग 18 ग्राम आपको प्रोटीन प्राप्त होगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो लगभग 29 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। फैट की बात करें तो लगभग आपको 42 ग्राम यानी कि 42 ग्राम फैट प्राप्त होता है, जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम है और अनसैचुरेटेड फैट यानी कि जो हेल्दी होता है उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों, इसमें ओमेगा फैट 3 और ओमेगा फैट 6 भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा है। अगर मिनरल्स की बात करें, इसमें बहुत सारा पोटेशियम, बहुत सारा फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन ये अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। और विटामिन्स की बात करें तो विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और विटामिन ई अच्छी मात्रा में है। और कोलेस्ट्रॉल देखें तो दोस्तों, इसका जीरो कोलेस्ट्रॉल है। ये अपने आप में अगर पोषक तत्व की बात करें तो उसकी लिहाज से तो बेहद अच्छा है आपके स्वास्थ्य के लिए। अगर आगे जानने की कोशिश करें ये किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बेनिफिट देता है या किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है, दोस्तों एक कंटेंट की बात करूं, लिग्नान नाम का एक तत्व होता है जो इसमें शामिल होता है, जो अन्य फूड की अपेक्षा लगभग 100 गुना ज़्यादा इसमें पाया जाता है। और उसकी खासियत यह है दोस्तों, वो प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का प्रोटेक्ट करने का या उस दौरान भी उनको हेल्प करने का काम करता है। जो लोग इससे ग्रसित हैं या बीमार हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि वो अलसी के बीज का सेवन करें। वास्तव में आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी बताती है कि लिग्नान जो तत्व है वो अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट है, जो कैंसर से लड़ने में हेल्प करता है, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में। दोस्तों, ये इसकी एक बेहद अच्छी खासियत है। और दोस्तों, बात करें इससे मिलने वाले फाइबर की, इसमें फाइबर, डाइट्री जो फाइबर प्राप्त होता है उसको दो पार्ट में हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वो बेनिफिट देता है। एक पार्ट की बात करते हैं जो घुलनशील है, जो हमारे ब्लड में घुल जाता है। ब्लड में घुलने के बाद वो जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर निकालने का यानी कि कम करने का काम करता है। और ब्लड में घुलने के बाद ये डाइट्री फाइबर जो है, जो घुलनशील फाइबर है, ये आपके ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है। तो इस तरह से ब्लड शुगर कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और दूसरा, जहां मैंने बात की थी फैट के बारे में, बताया था ओमेगा फैट 3 है, वो अपने आप में कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करता है, आपको हार्ट को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो अलसी के बीज का सेवन इस तरह से आपको हार्ट को बहुत प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, बहुत सारी बीमारियों के उससे बचाने का काम करेगा। वहीं पे बात करूँ दोस्तों, इसके जो अघुलनशील फाइबर है वो आपकी डाइजेशन सिस्टम के लिए, आंतों के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए बेहद अच्छा माना जाता है और बेहद अच्छा कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, अगर बात करें इसमें ALA नाम का एक तत्व, उसको एक आप समझ सकते हैं, अगर टेक्निकल भाषा में बताऊं, एक तरह का एसिड है जो आपकी बॉडी में नहीं बनता है। जिस तरह के मैंने बताया कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं जो आपकी बॉडी डेवलप नहीं करती, लेकिन आपको वो फूड से इंटेक करना पड़ता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें भी ALA नाम का एक एसिड है जो हमारी बॉडी जिसको डेवलप नहीं कर पाती, लेकिन वो अलसी के बीज में पाया जाता है। उसका मेन फंक्शन ये है कि वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को काम करता है और जो आपकी आर्टरीज हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो का काम करता है और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। दोस्तों, ये कुछ खासियत थी जो मैंने अलसी के बीज के सेवन को लेके बताई। दोस्तों, अगर जानने की कोशिश करें, इसमें जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा मैंने बताई थी, वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का या उसको सस्टेन करने का काम करेगा। आप जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर पोटेशियम और मैग्नीशियम की कंटेंट की वजह से आपको परामर्श करेगा कि आप इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। मैं कोई सजेशन नहीं कर रहा हूं, केवल आपको सलाह दे रहा हूं। जो भी पेशेंट है वो जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके सेवन की, तो स्टडी ये बताती है कि आप इसके सीड्स की अपेक्षा इसको पीस कर इसका सेवन करेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा।
ये अपने आप में बहुत गुणों से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट बताए इसके जो मैंने फायदे बताए, ये अपने आप में आपकी बॉडी के लिए बेहद अच्छे माने जा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इतने पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट और ये सब चीज़ होने के बावजूद क्या ये हमारे शरीर पर कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तो दोस्तों स्टडी ये कहती है कि किसी भी चीज़ का सेवन करें, अखरोट का करें, बादाम का करें, किसी फ्रूट का करें, सीड्स का करें, अगर आप अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और अलसी के बीज को लेकर एक थोड़ी भ्रांति रहती है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर सकता है, लेकिन स्टडी ने ये बताया है कि ये डायरेक्ट रूप से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कहीं भी प्रभावित नहीं करता। स्टडी ये कहती है कि आप अच्छा भोजन करिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा व्यायाम एक्सरसाइज करिएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट रूप से आपके टेस्टोस्टेरोन को इफेक्टेड नहीं करता है। दोस्तों इसकी खासियत ये है कि महिलाओं में जब हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहा होता है तो इसको बैलेंस करने का काम करता है, तो महिलाओं के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है, ये पुरुषों के लिए कहीं भी हानिकारक नहीं है। दोस्तों यही इसकी खासियत थी जो मैंने आप तक साझा की, और ये मेरी कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है दोस्तों, मैं केवल किसी भी कंटेंट को, चाहे फूड आपका नेचर से प्राप्त हो रहा हो, आप घर में बना रहे हो, बाहर से सेवन कर रहे हो, मेरा मकसद केवल रहता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंटेंट बता सकूं कितनी इसमें कैलोरीज है, कितने पोषक तत्व हैं, वो पोषक तत्व हमारी बॉडीज को किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं, क्या एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे शरीर को किन किन रोगों से और किस तरह से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, वो जानकारी आप तक साझा करना होता है। यही दोस्तों आज की वीडियो का कंटेंट था। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।